मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा सिंगाराम में बीते एक साल से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को इस धरना विरोध प्रदर्शन का एक साल पूर्ण होने पर मूलवासी बचाओ मंच स्थापना दिवस के रूप में मनाया। सिंगाराम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीणों को न्याय दिलाने की मांग के इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, AISF प्रदेश अध्यक्ष महेश कुंजाम, सोडी कोशा, माड़वी गंगा हांदा, कड़ती देव, सेमल दीपक सहित अन्य CPI नेता शामिल हुए। मूलवासी बचाओ मंच ने बताया कि वर्ष 2009 में सिंगाराम, मेलासुर, दंतेशपुर, कोरापाड़ा के 18 आदिवासी ग्रामीणों को पकड़कर पुलिस बलों के द्वारा निर्मम हत्या की गई। पिछले वर्ष 1 नवंबर 2021 से इस घटना में मारे गए लोगों की न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सिंगाराम मूलवासियों की आंदोलन एक साल पूरा हुआ, अब तक सरकार की ओर से कुछ भी नतीजे सामने नहीं आए हैं, इसलिए सिंगाराम नरसंहार के विरोध में 1 नवंबर को ग्राम सिंगाराम आभा सभा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़, घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया जाए, नरसंहार में शामिल दोषी पुलिस अधिकारियों व जवानों पर कार्रवाई की जाए, 5वीं अनुसूची इलाके में ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जाए, आदिवासियों को दिए गए 32% आरक्षण दिया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में लागू की वन संरक्षण कानून वापस लिया जाए, सिलगेर सहित बस्तर में संभाग में तैनात सभी पुलिस कैंप को वापस लिया जाए। मनीष कुंजाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ के बस्तर सलवा जुडूम से नरसंहार से नुकसान हुआ। सिलगेर, सिंगाराम, नुलक तोंग व गोमपाड़ सहित ऐसे कई दुर्घटनाएं हुई हैं। मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा सिंगाराम में हो रहे विरोध प्रदर्शन में आसपास के गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। दरअसल यही नहीं, ये सिलगेर से प्रेरित यह आंदोलन, सिलगेर में जो धरना आंदोलन हो रहा है वो करीब 16 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है वहाँ धरना, और यहाँ करीब साल भर से ज़्यादा हो गया सिंगाराम का, और गोमपाड़ का करीब 14-15 महीने से वहाँ धरना आंदोलन किया जा रहा है। और ये आप सब लोगों को मालूम है कि ये आंदोलन भी दिल्ली में जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन है उससे प्रेरित ये आंदोलन है, पर ये बिल्कुल न्याय की लड़ाई है, न्याय के लिए आंदोलन है। सिंगाराम में पिछले 2013 के चुनाव के तत्काल बाद यहाँ एक लड़ाई क्या बोलोगे गांव वालों को करीब 18 लोगों को मार डाला गया था, शायद उसी के लिए ये स्मारक है। और गोमपाड़ में भी यही घटना हुई थी, उस घटना के खिलाफ ये दरअसल उनको न्याय दिलाने के लिए ये धरना आंदोलन यहाँ पर भी चालू है, गोमपाड़ में भी चालू है, सिलगेर में भी चालू है। तो ये हमारा ये कहना है कि ये जो लड़ाई है इसमें जो मारे गए हैं उनकी तो सरकार को जांच करा लेनी चाहिए, और जो लोग भी दोषी हैं, अब तो दोषी क्या बोलेंगे, बीजापुर के एड्समेटा में जो लोग मारे गए उस पर न्याय कमीशन की रिपोर्ट आई, सारकेगुड़ा के में जो 17 लोग मारे गए उसके न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, उस पर भी अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई, और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कहता है कि ये लोग कोई नक्सली नहीं थे, निर्दोष थे। तो सवाल ये है कि अभी गोमपाड़ के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के याचिकाकर्ता है क्या नाम हिमांशु, उसको फैसला किया हुआ है। तो दरअसल ये सब चीज गलत हो रहा है, इसलिए भी आंदोलन जो हो रहा है उस संदर्भ में हमें इस लड़ाई को देखा जाना चाहिए, और हमारी मांग है यहाँ से सरकार से कि आप ये जो घटनाएं हुई सिलगेर गोमपाड़ सिंगाराम में जो घटनाएं हुई है उसकी जांच सरकार को करनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको सजा दिया जाना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूँ, आप लोगों के इस चैनलों के जरिए, कि यहाँ कोई नक्सली नहीं है, यहाँ कोई हथियार लेकर के लोग नहीं है, ये जो तमाम लड़ाई है, जो पर्चे यहाँ जो चिपकाए गए हैं पेड़ों में, वो सब कानून की बात है, कानून की लड़ाई है यह, और कानून को लेकर के कानूनी तरीके की लड़ाई है।
अगर नाव को हमारे आदिवासी भाई अटर लोग को मारा गया पुलिस द्वारा, तो उससे मारे गए लोगों को परिवार को एक एक करोड़ मुआवजा की मांग कर रहे हैं और 50 लाख की मांग कर रहे हैं जो घायल परिवार को, और ये जो दोषी पुलिस अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मांग रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेके विगत एक वर्षों से ये आंदोलन को लेकर हम एक वर्षों से ये आंदोलन जारी रखते हैं। यही मांगे कि और भी कुछ मांग रहे हैं? और पैसा कानून की एक मांग रखते हैं, पैसा कानून लागू कर। और ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगा? ये विरोध जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे।